हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं फिर एक टिप एंड ट्रिक के साथ आ चुकी हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला ट्रिप मेरा इस तरह से कढ़ी पत्ते को लेकर है। तो दोस्तों हम कहीं बाहर जाते हैं या तो कहीं कॉलोनी में लगा रहता है या तो हम कहीं किसी के घर पे रहता है, तो इस तरह से हम कढ़ी पत्ता तोड़ के ले आते हैं। तो हम सोचते हैं कि इसको हम काफ़ी दिन तक के चलाएं। तो देखिए हम यही सोचते हैं कि हम इस कढ़ी पत्ते को काफ़ी दिन तक के चलाएं, लेकिन हम इस तरह से डंठल सहित रख देते हैं पन्ने में करके, तो हमारा ये कढ़ी पत्ता सूख जाता है, हमारे किसी काम के नहीं आते हैं। तो देखिए हमने डंठल में से ये पत्ते को निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है, आपको कोई एयर कंटेनर डिब्बा ले लेना है, अगर कांच का है तो ज़्यादा बेटर है। देखिए मेरे पास कांच का नहीं है, इस तरह से मेरे पास प्लास्टिक का डिब्बा है, हॉर्लिक्स का खाली हुआ है। तो ये जितने भी पत्ते हैं मैं सारा इसमें भर लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से पत्ते को डिब्बे में भरने से, एयर कंटेनर डिब्बे में भर के आप फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल आपका ये पत्ता ख़राब नहीं होने वाला है। पहले तो पत्ते को आप पानी से वॉश कर लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए, धोने के बाद सुखवा लीजिए, और सुखवाने के बाद इस तरह से आप पत्ती को निकाल के आप इसको एयर कंटेनर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो बिल्कुल जब भी ज़रूरत पड़े इस तरह से आप टिश्यू पेपर निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप इस तरह से पत्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिप। अगला ट्रिप मेरे इस तरह से मिर्च को लेके है। तो दोस्तों मिर्च एक ऐसा चीज़ है, किसी किसी को मिर्च बहुत ज़्यादा लगता है, या डंठल तोड़े तब भी या इसका कटिंग करे तब भी, मिर्च एक ऐसी चीज़ है अगर कहीं भी लग जाता है बिल्कुल जहरीला होता है। मिर्च कहीं भी लग जाता है हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों अगर आप को मिर्च से इतनी ज़्यादा एलर्जी है तो देखिए या तो आप किचन में एक सीजर रखिए, सीजर के हेल्प से इस तरह से मिर्च को आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा मोटा मिर्च है तो सीजर से थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है काटने में, डर लग रहा है कहीं ऐसा आँखों में ना हो जाए, तो मैं बहुत आराम आराम से कटिंग कर रही हूँ। देखिए दोस्तों सीजर को किचन में रखना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से अगर आप मिर्च को अपने हाथों से नहीं कटिंग कर पा रहे हो तो सीजर की हेल्प से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सबसे इजी और आसान तरीका है इस तरह से, आप या तो सरसों का तेल ले लीजिए या तो नारियल का तेल है तो उसको ले लीजिए। तो देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल ये जो मिर्च है बिल्कुल आपके हाथों में नहीं लगेगा। इस तरह से कटिंग करने के बाद मिर्च को आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धुल लीजिए, बिल्कुल हाथों में ये लगने वाला नहीं है मिर्च। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों अगला ट्रिक मेरा इस तरह से जो पन्नी होती है हम सब्जी वगैरह ले आते हैं इसको लेके है। तो दोस्तों ज़्यादातर तो ये सभी के घरों में इस तरह से पन्नियाँ मिल जाती हैं और हर किसी के घर में भी मिल जाती हैं, तो इस पन्नियों को क्यों ना हम इस्तेमाल करें। तो देखिए इस तरह से जब भी हम कोई साग सब्जी काटते हैं तो हमें हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए इस पन्नी को मैंने इस तरह से डलिया के ऊपर कवर कर दिया है और बहुत इजी तरीके से जब भी हम इस तरह से कोई साग सब्जी फल वल इस तरह से जो कुछ भी हम कटिंग करते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा जब हम कटिंग करते हैं तो टाइम का भी वेस्ट होता है, या तो हम जहाँ कटिंग करते हैं वहाँ पर हमें पोछा लगाना पड़ता है, बहुत से ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो देखिए सबसे ईजी और आसान तरीका है, अगर छोटा इस तरह से टोकरी है तो टोकरी के ऊपर इस तरह से पन्नी लगा लीजिए, प्याज हो गया लहसुन हो गया जो भी चीज़ आप अगर इस तरह से कटिंग करना चाहे छिलना चाहे बहुत ईजी तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा मोटा ट्रिक और एंट्रिक आप अपने घर में इस तरह से आजमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और हाँ दोस्तों हमारे वीडियो का आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं और किस गांव से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक के और कौन से गांव से देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये है ना कमाल का आइडिया, इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और छिलक सारे पन्नी में इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से आप पन्नी को इस टोकरी ऊपर कवर कर देंगे। तो दोस्तों छोटा मोटा ट्रिक आप अपने घर में आजमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक दोस्तों इस तरीके से हमारे एक कटोरी मैंने लिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसा होता है कभी हम किचन में खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कभी कुकर से हाथ लग गया, कभी तवे से लग गया, और कभी ज़्यादातर रोटी फुलाते हैं तब रोटी में छेद रहता है तब भी हमारा हाथ जल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि भाप द्वारा जब हमारा हाथ जलता है तो कितनी जलन होती है और कितनी एलर्जी टाइप में होता है, बहुत ज़्यादा ही जलन होता है।
तो दोस्तों उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिप लेके आई हूँ कि इस तरह से अगर आपके साथ भी होता है तो आपको ले लेना है इस तरह से बेकिंग सोडा, वही मीठा सोडा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा दोस्तों तो सभी के घरों में ज़्यादातर होता ही है, तो इस तरह से मेरा हाथ जला हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर इस तरह से कभी हाथ में हो जाता है तो इस लेप को आप अपने हाथों में लगा सकते हैं। और दोस्तों ये कम के लिए है, ज़्यादा के लिए नहीं है। अगर ज़्यादा जलता है हाथ तो अगर जैसे छाले वगैरह आ जाते हैं तो इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ी बहुत जब जल जाता है उसके लिए मैं ये ट्रिक बता रही हूँ कि ताकि ये जलन ना लगे इससे और इससे ठंडापन रहे, इसका आप लेप लगा लेंगे तो दोस्तों बहुत ही कमाल का टिप है और बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों अगला ट्रिक मेरे इस तरह से किचन सिंक को लेके है। तो दोस्तों हम किचन सिंक के इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से जब हमारा सिंक गीला रहता है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हमारा सिंक पानी सूख जाता है ना तो इसमें पानी के धब्बे वाइट वाइट ही दिखता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो दोस्तों आज मैं अपने किचन को क्लीन करूँगी। देखिए मुझे ले लेना है विनेगर, विनेगर मैं इसे स्क्रबर पे डालूँगी। दोस्तों अगर विनेगर को आप अपने कटोरी में भी ले सकते हैं, कोई ब्रश है तो उससे भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से स्क्रबर पे डालने के बाद थोड़ा थोड़ा डाल के इसी तरह से मैं लगा रही हूँ। तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से लग जाता है ब्रश से, अगर आपके पास मेहंदी वाला ब्रश है और जो पराठे वगैरह में ब्रश इस्तेमाल करते हैं उससे भी आप इसको सिंक में लगा सकते हैं। तो देखिए इसको लगाने के बाद जो मैंने ये विनेगर लगाया हुआ है, इसको लगाने के बाद मुझे 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और ज़्यादातर दोस्तों तो इसको आप रात के समय शाम के समय ही काम करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे बिल्कुल हमारे किचन बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जो भी पानी के धब्बे रहते हैं बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो देखिए मेरा 10 से 15 मिनट हो चुका है, अब मैं ये ले ली पेपर। पेपर की हेल्प से मुझे इस सिंक को चारों तरफ से रफ़ कर देना है, पानी बिल्कुल नहीं खोलना है। तो देखिए इस तरह से रफ करने से आपका सिंक बिल्कुल क्लीन भी हो जाएगा और जितने भी दाग धब्बे हैं ना पानी के बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा मोटा ट्रिक आप अपने घर में छोटा सा ट्रिक है, इसको ज़रूर आजमा के देखिएगा, घरेलू नुस्खा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अगर ज़रा से भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारा सिंक पहले से काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।